हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या बेटा आप मुझे देख पा रहे हैं? ओके बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लिंक शेयर नहीं हो पाया आपके साथ। ओके बेटा, जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ और आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। हैप्पी टीचर्स डे मैम, थैंक यू सो मच वैशाली जी, थैंक यू सो मच बेटा। कैन यू प्लीज़ शेयर दी लिंक बच्चा पार्टी? और ये टेलीग्राम पे आपको किसने बोला कि क्लास नहीं है? क्लास है बेटा, जिसने भी आपको बोला उसको बताइए, नहीं भाई क्लास है। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा सब लोग, हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था दिक्कत हो गई थी तो उस वजह से। ठीक है, चलो कैसे हो सब? बढ़िया। आ जाओ जी, आ जाओ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एनिमल किंगडम। आ जाओ जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करेंगे, ये भी अपनी मर्जी से चलता है क्या? इसको क्या हुआ है? चलिए ज्वाइन कर लीजिए, हो गया। ओके, हेलो करुणा जी, हेलो अंशिका, हेलो वैशाली, हेलो हेजल, थैंक यू बेटा, हेलो अभय, हैप्पी टीचर्स डे दीदी, थैंक यू आस्था जी, थैंक यू सो मच। और कौन कौन है? और बताओ बच्चों, सब ठीक है? बढ़िया, पढ़ाई ठीक चल रही है? चलिए बेटा, हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था, वो टॉपिक में हमने पढ़ा था अबाउट दी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एनिमल किंगडम हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। बट फाइलम पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि इन सारे एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं या फाइलम्स को जनरेट किया जाता है, वो किस बेसिस पे किया जाता है। सो हियर इज़ अ फ्लो चार्ट जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत ही कॉमनली आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है, लर्निंग पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने कहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा इसको जूम कर रही हूँ और अब हम यहाँ पर जाते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाइए। होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, एनिमल किंगडम है ना, तो एनिमल किंगडम यानी किस, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, एक सेकेंड, जो भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करेगा वो कैसा होगा बेटा? मल्टी सेल्यूलर। कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों होगा? क्योंकि भाई देखिए, यूनिसेलुलर इतना छोटा होता है कि दिखता नहीं है। एनिमल किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होने की जगह मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर में भी कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, बट मैक्सिमम जितने भी होते हैं वो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये हो गया सेलुलर, सेलुलर लेवल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे जब हम जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमने इन्हीं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है एनिमल किंगडम में अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल होता है, सेलुलर लेवल होता है और आपका ऑर्गन लेवल होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ गया आपका सेलुलर लेवल सबसे पहला, यानी वो एनिमल जो सेल के बेसिस पे, यानी हर सेल इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, टिश्यू नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सेल है। मान लीजिए फॉर दैट मैनर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। इस तरीके से बहुत सारे सेल आपस में मिलके एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं।
फिर आता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास क्या होगा, बहुत सारे सेल जो कि एक ही टाइप के होंगे वो एक ग्रुप में रहेंगे, और एक ग्रुप में होने के साथ साथ वो क्या करेंगे, सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से इन्हें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस लेसन में जो कि हमने क्लास 11th का पढ़ा था। फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसके बॉडी ज़्यादा वेल फंक्शनड होती है, और आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। लेट्स कम टू अनदर पार्ट, सिमेट्री। अब सिमेट्री में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म कितने लेवल पर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मोस्टली कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब हम वापस से यहाँ जा रहे हैं सिमेट्री पे। तो जनरली कैसे होते हैं ये, मोस्टली सिमेट्रिकल। अब जहाँ पर हम सिमेट्रिकल की बात करेंगे, ठीक है, अगर जैसे आप हमारी बॉडी को डिवाइड कीजिए तो आप हमारी बॉडी को कई सारे प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर आप ऑब्लिक कट करेंगे तो भी कहीं ना कहीं बॉडी इक्वल डिवाइड हो जाएगी, अगर आप लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगी, ट्रांसवर्सली नहीं होगी लेकिन फिर भी काफ़ी प्लेन्स में डिवाइड हो जाती है। तो सिमेट्री में क्या है, आपके जनरली ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पर क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटा। तो जब हम एसिमेट्रिकल की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अभी इस तरीके का है, तो इसको डिवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो भी ये इक्वल नहीं होगा, ऐसे करूं तो शायद हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, थोड़ा अपर पोर्शन ज़्यादा हो रहा है, ये वाला पोर्शन कम हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जनरली छोटे होते हैं, याद रखिएगा, दिमाग में रखना, जो छोटे होते हैं, और समझने के लिए हम कह सकते हैं कि एनिमल किंगडम में जो स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा किंगडम या फाइलम हमारा स्टार्ट होगा, तो इस किंगडम के जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होंगे वो जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या समझे आप, जैसे ही आपका एनिमल किंगडम शुरू होगा तो जितना पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे वो सारे एसिमेट्रिकल होंगे। धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन करते हैं और वो बड़े होते जाते हैं, बड़े होने की वजह से वो जनरली अपनी सिमेट्री को अटेन कर लेते हैं, बट जितने छोटे ऑर्गेनिज्म्स होंगे वो एसिमेट्रिकल होंगे। तो मान लीजिए कभी आप भूल जाएं, आपको याद ना रहे कि इसमें कौन सी सिमेट्री होगी, तो हमेशा ये फंडा लगाइएगा कि ये आपने कहाँ पर देखा या कहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया सिमेट्री। तो जनरली ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे आपके, आपके जो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये छोटे होते हैं, कम होते हैं। दूसरे आते हैं आपके रेडियल सिमेट्रिकल। अब रेडियल सिमेट्रिकल क्या है, ये एक आपका व्हील है, इस व्हील में ये बेटा आपका सेंटर पॉइंट है, आप कहीं से भी काटिए ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा देखने को भी हमें बहुत कम मिलता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करें और वो पूरा का पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री, मतलब मैं इस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ इस तरीके से ही डिवाइड करूंगी, यानी एक कॉमन एक्सिस में डिवाइड करूं, एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। जिसने इस पार्ट को नहीं करा है प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रही हूँ, और अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ओके, ठीक है बेटा, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, सिमेट्री में कौन कौन से आ गए आपके एसिमेट्रिकल, ज़्यादा लेना देना नहीं है हमारा एसिमेट्रिकल से, ठीक है, एसिमेट्रिकल से ज़्यादा लेना देना नहीं है, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब बॉडी कैविटी की बात करते हैं, बॉडी कैविटी आपको समझना होगा, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए हम आपको ध्यान से समझाएंगे, इसको समझिए बेटा। अभी बात करते हैं, पहले आप एक बार पढ़ाई करो फिर बात करेंगे। देखिए एक वर्ड होता है जो कि शायद हमारा रह गया था लास्ट टाइम, अच्छा मुझे अभी याद आ रहा है, यस रह गया था सिलोम वाला पार्ट, तो सिलोम वाला पार्ट हम कवर कर लेते हैं बेटा। सेलोमेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, क्या मतलब होता है बॉडी कैविटी और सिलोम। तो आपने देखा होगा, सपोज मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ऐसा बना, इसके पैर बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा एक क्या होगी, इसकी आउटर लेयर होगी जो कि हम स्किन के नाम से जानते हैं, है ना, एक आउटर लेयर होगी जैसे स्किन बोलते हैं,
उसके बाद एक जगह होगी जहाँ पर सारे ऑर्गन होते हैं, है ना। आप अगर डाइसेक्शन करेंगे, जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, MBBS में जाएंगे, आपको डाइसेक्शन का मौका मिलेगा, तो आप एक चीज़ देखेंगे, बहुत कॉमन सी चीज़ मैं बता रही हूँ, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन को, अगर इस पेन को मैं आपको ध्यान से देखने के लिए कहूँ तो आप क्या बोलोगे, मैम ये इसके आउटर बॉडी है। अब हम अगर इसको खोल दें तो इसके आउटर बॉडी के साथ साथ इनसाइड आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा, कोई ना कोई चीज़ होगी जो अंदर होगी, लेकिन कुछ चीज़, कुछ जगह ऐसी होगी जो खाली होगी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये रिफिल रखी जाती है, जिससे जगह खाली होती है, जैसे कि खाली जगह जो भी आप अंदर देख पा रहे हैं। तो यानी ये जो आउटर कवरिंग है और जो मटेरियल इसके अंदर डाला है, आउटर कवरिंग और मटेरियल के बीच की जो खाली जगह बचती है उसको हम कहते हैं सिलोम। क्या कहते हैं बेटा? सिलोम। जैसे सपोज आपने किसी बॉडी का डाइसेक्शन किया, अब जब आप किसी बॉडी का डाइसेक्शन करोगे तो आप क्या करोगे, पहले स्किन निकालोगे, है ना, पहले स्किन की लेयर निकलेगी। आपको किस लेवल का डाइसेक्शन करना है वो डिपेंड करता है। आपने स्किन निकाला, अब स्किन निकालने के बाद डायरेक्ट आपको ऑर्गन नहीं मिलेगा, स्किन और ऑर्गन के बीच में भी कई जगह ऐसी होगी जो फ्लूइड से भरी हुई होगी, जिसके अंदर कैविटी होगी, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे जगह को हम क्या बोलते हैं, सिलोम के नाम से जानते हैं। यानी कई लोग सिलोम का मतलब समझते हैं कि जैसे कि लंग्स के अंदर कैविटी है वो सिलोम है, या मैम पेट एक खाली जगह है वो कैविटी है, वो कैविटी है बट वो सिलोम नहीं है। सिलोम हमेशा आपके जितने भी डेवलपिंग लेयर्स होती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हमारे पास डेवलपिंग लेयर्स होती हैं बेटा। जब हम अपनी मम्मी के पेट में होते हैं तो हमारी बॉडी धीरे 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 डेवलप होना शुरू होती है, तो इस डेवलपमेंट के बीच में हमें क्या मिलती है, हमें को जर्म लेयर्स मिलती है बेटा। क्या मिलती है? जर्म लेयर्स मिलती है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये जो जर्म लेयर्स होते हैं, ये जर्म लेयर्स कैसी होती हैं। सपोज मान लीजिए सबसे पहले एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेयर को कुछ काम अलॉटेड है कि आपको ये पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरी लेयर बन जाती है, दूसरी लेयर के अपने काम होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ बॉडी के अंदर बनानी है। इसी तरीके से तीसरी लेयर भी होती है, उसका भी कुछ काम होता है कि आपको ये पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर पार्ट बनाना है। यानी हर एक इंडिविजुअल जर्म लेयर, जर्म लेयर का मतलब क्या है, जो जर्मिनेशन करती है, जर्मिनेशन मतलब पैदा करना किसी चीज़ को, इन तीनों लेयर के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरे बॉडी बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों लेयर के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर ये गैप है, है ना, और यहाँ पर ये वाला पूरा जो कैविटी है, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड सिलोम। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलोम। इससे इसका मैम बेनिफिट क्या है, या सिलोम की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों हम इसके, हमारे लिए ज़रूरी है, लेयर चिपकी हुई भी तो हो सकती थी, क्या कोई आंसर करेगा बताइए, क्या कोई आंसर करेगा? थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग आए, अच्छा लगा। हेलो विपुल जी, ओके लिसन माय क्वेश्चन, और सब बच्चे बताएंगे, जो जो बता सकते हैं वो बताएंगे बेटा, कोशिश करेंगे। माय क्वेश्चन इज कि ज़रूरी है क्या कि जो जर्म लेयर्स हैं इनके बीच में गैप होना, यानी सिलोम होना ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी था? नॉर्मल लेयर्स भी तो बन सकती थी, तो ऐसा क्यों है कि लेयर्स बनी हैं ये, या इनके बीच में गैप है, ऐसा क्यों है बताइए, देखते हैं कौन आंसर करता है। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, ओके ठीक है, डिवीजन के लिए, ओके एनीवन एल्स बेटा? हाँ ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी तो है, ज़रूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ज़रूरी क्यों है। चलिए पहले मैं आपको इन जर्म लेयर्स के नाम बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बाहर होती है, हम इसको कहते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टोडर्म बोलते हैं। बीच वाले जो लेयर होती है, हम इसे क्या बोलते हैं आपका? मेसोडर्म। और जो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। अब इनके बीच में गैप है, जैसे विशाली ने कहा कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई कह रहा है देखो मैम कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी होगी, क्योंकि सिलोम नहीं होगा तो फ्यूज़ हो जाएंगी तीनों। अरे तो वही तो पूछा, अगर फ्यूज़ मान लो तीन लेयर हो ही ना, क्या ज़रूरत है तीन के, भी दो से काम हो जाए। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे अभी हम पढ़ेंगे जिनमें दो से काम हो जाता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमको दो ही लेयर, तीन लेयर चाहिए और गैप है? बेटा गैप होना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि आपके बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू सेपरेट वर्क करता है. कैसा काम करता है? सेपरेटली वर्क करता है. अगर ये सेलों में कैविटी यहाँ पर नहीं होगी तो जो भी ऑर्गन बनेगा, सपोज मान लीजिए एक्टोडर्म है, उसका काम है आपके बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को डेवलप करना. आपके बॉडी में जितना भी हार्ड पार्ट है, स्केलेटल पार्ट है, वो एक्टोडर्म का काम है. जितने भी आपके बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन हैं, जो आपके इंटेस्टाइन है, आपका जितना भी एब्डोमेन के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं. सॉफ्ट पार्ट जर्नली आर मेड अप और जर्म किससे बनते हैं आपके? मेड अप ऑफ जर्म लेयर, मेसोडर्म के द्वारा बनते हैं. मान लीजिए इन दोनों के बीच में सेलों में कैविटी ना हो तो क्या होगा? जो एक्टोडर्म से ऑर्गन बना है वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? मेसोडर्म के ऑर्गन के साथ. और जब कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ फ्यूज हो जाएगा तो वो सेपरेटली काम नहीं कर पाएगा, उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए सेपरेशन देना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर हमने जब जर्म लेयर्स की बात की तो सबसे पहले लेयर जो बाहर वाली है वो आपकी एक्टोडर्म है, उसके बीच में जो लेयर है ये मेसोडर्म है, और जो यहाँ पर आपको दिख रही है अंदर, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म. ठीक है, ये जर्म लेयर्स हैं. इनके बीच में जो गैप पाया जाता है, इस गैप को हम कहते हैं सिलोमिक कैविटी. ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? सिलोमिक कैविटी. तो सिलोमिक कैविटी, आज के बाद ये मत बोलना मैम सिलोम का मतलब थोरासिक कैविटी होती है, सिलोम का मतलब आपके पेट की कैविटी होती है, सिलोम का मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कैविटी है, सिलोम का मतलब आपके ईसोफेगस में कैविटी. ये कैविटी है, ये कैविटी है, बट जर्म लेयर के द्वारा नहीं बनी है. ठीक है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा डिफरेंस है. ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एज यू गाइज नो, कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं? दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं. पहले कौन से होते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म. ठीक है, एंडोडर्म. इनके अंदर मेसोडर्म नहीं पाया जाता. मैम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इनका इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, ये ऑर्गेनिज्म बने, तो ये सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिज्म थे जो डेवलप हुए थे. उसके बाद ही सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं. तो सबसे पहले जब भी यार हम भी कोई काम करते हैं, सपोज मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला है, तो पहले बारे में वो कभी भी अच्छा नहीं बनता, लेकिन जब आप उसको सेकेंड टाइम करते हो, थर्ड टाइम करते हो, तो और फिनिश हो जाता है, और अच्छा हो जाता है ना. तो ये पहली बार बने थे इसलिए इनके अंदर सिर्फ दो ही लेयर पाई जाती हैं. ठीक है, दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैसे होते हैं आपके? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लो के अंदर आते हैं बेटा जिनके अंदर तीन लेयर होती हैं. ठीक है, तीनों लेयर पाई जाती हैं. कौन कौन से तीन लेयर हो गए? एक्टो, एंडो और मीजो. ठीक है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और यहाँ पर हो गए आपके एक्टोडर्म. ठीक है, ये तीनों लेयर जिनके अंदर पाई जाती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं. अभी आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप फाइलम पढ़ेंगे तो मैं आपको यहीं से, इन्हीं से लर्न कराऊंगी. ठीक है, इन्हीं के बेस पे सब कुछ लर्न करना है. अब हम बात कर रहे थे सिलोम की. तो सिलोम कैसा होता है बेटा? सिलोम होता है आपका टोटल तीन तरीके का. ठीक है, पहले ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ए सिलोमेटेड होते हैं, यानी जिसके अंदर किसी भी तरीके की सिलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती. तो जिनके अंदर सिलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती वो कैसा होगा बेटा? बिल्कुल फ्लैट. आप लड़कियां हैं काफ़ी क्लास में, लड़के ने भी देखा होगा लड़कियों को कि वो चोटी बनाती हैं जब स्कूल में, तो रिबन लगाती हैं. वो जो रिबन होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, देखा है आपने? यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फ्लैट है, जिसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, वो चीज़ रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ए सिलोमेटेड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो ए सिलोमेटेड, उनके अंदर कोई भी कैविटी या कोई भी जगह है ही नहीं. दूसरे आते हैं आपके अंदर, दूसरे आते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो कौन से होते हैं बेटा जी? वो होते हैं सूडो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म. अब ये सूडो सिलोमेट का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है यहाँ पे फॉल्स, है ना, सिलोमेट. अब ये फॉल्स सिलोमेट का क्या मतलब है? देखो, फॉल्स सिलोमेट कैसे समझोगे? ये एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इसके अंदर बाहर हो गए एक्टोडर्म, अंदर हो गए एंडोडर्म. ठीक है, अब मेसोडर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेसोडर्म यहाँ पर क्या करती है? कुछ पाउच के फॉर्म में बन जाती है, कुछ इस तरीके से, ऐसे. तो कहीं कहीं पे मेसोडर्म दिखती है लेकिन हर जगह नहीं दिखती. बाहर वाली क्या है? एक्टोडर्म. एक्टोडर्म हो गई बेटा बाहर वाली. अंदर वाली क्या हो गई? एंडोडर्म हो गई. ठीक है,
और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको बीच में दिख रहा है ये क्या है, मीजोडर्म। तो जब भी हम सीलोमेटेड यानी सूडो सीलोमेटेड की बात करेंगे तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म में बोलेंगे कि प्रॉपर मीजोडर्म नहीं है बट पाउच ऑफ मीजोडर्म्स आर फाउंड इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी, इज दिस क्लियर? ओके, दूसरे ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं कौन से, सीलोमेटेड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम, हमारे अंदर प्योर सीलोम पाई जाती है, हमसे छोटे जितने ऑर्गेनिज्म है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, है ना, जो हमसे इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, उन सबके अंदर सीलोम पाया जाता है। तो ये वाला क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया। बॉडी कैविटी और सीलोमेटेड के बेसिस पे हमने बोला ए सीलोमेटेड ऑर्गेनिज्म, बॉडी विथ ए सिलोमेट, ये तो अलग हो गया, छोड़ दो। फिर सूडो सिलोमेट दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें हाफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और तीसरे होते हैं जिनके पास सिलोमेटेड पाए जाते हैं। अब यहाँ से आता है तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। ये पूरा जब आप टेबल पढ़ोगे तो इस पूरे टेबल में तुम्हें क्या याद रखना है, ये वाला पार्ट। ये जो पूरे टेबल चली है ना बेटा, मैं एक बार ज़रा एक जूम आउट करती हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। एक पॉइंट जूम आउट करती हूँ मैं, ठीक है? यहाँ देखो, अभी फिक्स हो गया ये नहीं हुआ है ना। एक पॉइंट और हम जूम आउट करेंगे, प्लीज अपनी वो बढ़ा लेना बेटा, अपना वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना, क्योंकि मैं एक पॉइंट फिर जूम आउट कर रही हूँ, ठीक है? ये देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे करना है तुम्हें, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा। ये दिख रहा है क्राइटेरिया, इस वाले ऊपर वाले पे फोकस करो। अभी यहां से एक मिनट, ये दिख रहा है बिल्कुल साफ सुथरा। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, पहला वाला किंगडम है, दूसरा वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री हो गया, बॉडी कैविटी यानी सिलोम। कौन सा ऑर्गेनिज्म इन में से किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है? जैसे वापस उल्टा चलते हैं, फाइलम्स आ गए यहाँ पे, फाइलम में आ गया सबसे पहले पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के बारे में बेसिक चीज जो आपको याद करनी है, पॉरीफेरा इज ए सिलोमेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इट्स अ एसिलोमेटेड ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स देर इज नो बॉडी कैविटी इन पॉरीफेरा। सेकेंड, दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये जर्नली अगर इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। इज दिस क्लियर? सेकेंड करते हैं, सेकेंड आपके यहाँ पर आ रहे हैं निडेरियंस और सिलो आपका कॉलेंट्रेटा, ठीक है? तो निडेरियंस आर एसिलोमेटेड ऑर्गेनिजम्स, रेडियल एसिमेट्रिकल, एंड किससे आगे बेटा, टिश्यू लेवल। अब यहाँ पर देखो ये एरो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सबसे छोटा है ना, तो सबसे पहले टिश्यू आएगा, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट आ गया टीनोफोरा, अगेन टीनोफोरा आर एसिलोमेटेड ऑर्गेनिजम्स, रेडियल एसिमेट्रिकल, एंड जर्नली टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन दी प्लेटीहेलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस आर एसिलोमेटेड ऑर्गेनिज्म विद बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि देखो ये बायलेटरल से डिवाइड होके जा रहे हैं, विद बायलेटरल सिमेट्री, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एनी आपका बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। एसके हेलमिंथिस आर ए सूडो सिलोमेटेड ऑर्गेनिज्म, ये इकलौते सूडो सिलोमेट है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इकलौते सूडो सिलोमेट होते हैं, बिलोंग्स टू और सिमिट्री, दे हैव बायलेटरल सिमिट्री, एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट है एनेलेडा, ऑर्थोपोडा, मुलेस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिक्वाड्रेटा, क्वाड्रेटा आर ट्रू सिलोमेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है? दे हैव थ्री, दे हैव प्रॉपर सिलोम्स इन देयर बॉडी, दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया। दीज आर द बेसिक स्टेप्स विच यू नीड टू लर्न, ठीक है? थैंक यू भाविक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है? तो बेसिक चीज ये, इतनी तो आज आप टिप्स पे लर्न कर लोगे, ठीक है? बाकी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी ग्रुप पे भी, और टिप्स भी देती रहूँगी लर्न करने की। बेसिक चीज़ें आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से नहीं जाना है, ठीक है?
ऑर्डर क्या होगा लर्न करने का, यहाँ से इधर की तरफ। तो ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि देखो नीट में अब पहले क्या होता था, पहले एक क्वेश्चन आता था और चार ऑप्शन दिए होते थे, राइट। अभी वो वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, अभी एक क्वेश्चन होता है उसमें आपको चार पाँच छः सात स्टेटमेंट दिए होते हैं, और उसके बाद नीचे होता है कि आपके पास चार ऑप्शन है जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 4 5 6 आर करेक्ट। तो ये पेपर को टफ बनाने का एक तरीका होता है ना। इसमें क्या किया उन्होंने, सिलेबस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की और बहुत अच्छा करके आपको क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट कर दिया, उन्होंने अच्छा खासा हाइक दे दिया है पेपर में। तो आपको समझना होगा कि अभी बेसिक चीज़ें पढ़ के काम नहीं चलेगा, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलके उन्होंने बनाया तो आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए, ठीक है, सॉरी, राइट बेटा, क्लियर। तो ये चीज़ याद रखोगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी। सो यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास आते हैं वो है हमारे पॉरीफेरा, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम्स को, तो फाइलम में सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के बारे में बात करते हैं बेटा, एक सेकेंड आ जाओ। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, क्लियर है बेटा, ठीक है, दिख रहा होगा होप सो। थोड़ा सा देखो वो होगा हल्का, तो वो रहेगा, आपको अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी होगी। अभी एक चीज़ समझनी है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप कितना भी एफर्ट डालो आप 100% क्वेश्चन सही करने की पॉसिबिलिटी कम होती है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है जो आपको याद रखना है, हर एक फाइलम के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लर्न करनी है, दैट्स इट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, जो आपने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ दिमाग में रखना, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, पहली टिप, ठीक है, समझ आया। पहली टिप मैंने आपको क्या दी है, ध्यान से सुनिए, पहली टिप है हर एक फाइलम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेसिकली, वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ा था क्लासिफिकेशन का उससे रिलेटेड होंगे, तो आपको वो याद रहेंगे, ठीक है, इजी हो जाएंगे। सेकेंड चीज़, किसी भी जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको ये देखना है कि अभी हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया तो हम छोटे से शुरू करेंगे और बड़े की तरफ जाएंगे, तो हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सेल लेवल होगा, फिर टिश्यू आएगा, फिर ऑर्गन आएगा, फिर ऑर्गन लेवल आएगा। तो हम धीरे से धीरे धीरे आगे शुरू से जब बढ़ना शुरू करेंगे तो हम छोटे से बढ़ेंगे और आगे तक जाते रहेंगे, ऐसा हम हर जगह करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है किस पॉइंट पे, किस फाइलम में हमने चेंजेस किए थे। लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं क्या बोल रही हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने कहा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम की बात करते हैं, चलो छोड़ो सिलोम की बात की, हमने कहा सिलोम, अभी तक सिलोम पॉरीफेरा निडेरियन सब के अंदर सिलोम कैसा है, एसिलोमेटेड एसिलोमेटेड, प्लेटी हेलमेंथिस एसिलोमेटेड, अब आ गया एस्की हेलमेंथिस। मैंने कहा बेटा एस्की हेलमेंथिस इज सूडो सिलोमेट, तो तुम्हें तुरंत ही अपनी कॉपी में ये पॉइंट लिखना है कि अच्छा क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था उसमें जो सिलोम वाला पॉइंट था, सिलोम वाले पॉइंट में जो सूडो सिलोम है वो शुरू होता है एस्की हेलमेंथिस से, समझ रहे हो आप, प्लेटी हेलमेंथिस से नहीं एस्की हेलमेंथिस से। ऐसे मैंने कहा टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है। अब मैंने कहा टिश्यू लेवल है तो टिश्यू लेवल मैंने कौन से फाइलम में बताया, कहां पर टिश्यू लेवल आया, क्योंकि उसके बाद सारा टिश्यू या ऑर्गन लेवल ही चलेगा। तो तुम्हें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना, उस फाइलम का नाम याद रखना है जहां पे ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है, या चेंज हो रहा है, वो पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुमने वो पॉइंट याद कर लिया तुम्हारा बेटा बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा है क्या, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पॉरीफेरा नथिंग बट दी स्पॉन्जेस, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़ने में समझने में थोड़ी दिक्कत है वो बच्चे इस चीज़ को समझेंगे, खुल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, वो बच्चे इस चीज़ को समझेंगे बेटा अच्छे तरीके से कि पॉरीफेरा का मतलब होता है स्पंज। आप सब ने अपने घर में, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो घर में काम करते हैं और जिन्होंने बर्तन भी धोए हैं, भाई कौन कौन है बताओ। मैम मेरा पूरा ध्यान आप पर है। दीदी का छोटा भाई मुन्ना भाई नहीं, वो भाई होता है,
अच्छा भाई, मुस्कान जी ने धोए हैं, शिवम वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और मुना बाई, अच्छा, और आप और किसने, हेजल, वेरी गुड, और डेली करते हो, बहुत बढ़िया, आप सबने बर्तन धोए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब बेटा बर्तन धोते होगे तो आपके मम्मी आपको कुछ स्पंज टाइप का देती होगी धुलने के लिए, जिसको हम कहते हैं स्कॉच ब्राइट, है ना, स्कॉच ब्राइट। उसका एक साइड जो होता है वो रफ होता है और दूसरी साइड जो होती है वो सॉफ्ट होती है, क्लियर। ये इमेज आपको ध्यान में रखनी है, बस स्कॉच ब्राइट आपको ध्यान रखना है जिससे हम बर्तन धोते हैं। तो बर्तन जब हम धोते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम उसको लिक्विड को बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उस स्पंज को अंदर डालते हैं तो वो स्पंज क्या करती है, सारे लिक्विड को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और हम काफ़ी देर तक अपने बर्तनों को धुलते रहते हैं उससे, है ना, एक बार एब्जॉर्ब कराने के बाद। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पोरीफेराज में अप्लाई करना है। पोरीफेरा आर नथिंग बट आर कॉल्ड द स्पॉन्जेस, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये स्पॉन्जेस हैं। तो जो स्पॉन्जेस हैं वो स्पॉन्जेस के तरीके से भी एक्ट करेंगे, तो ये स्पॉन्जेस के तरीके से ही एक्ट करेंगे। अब स्पॉन्ज के अंदर अगर पानी अंदर भेजना है मुझे तो क्या होना चाहिए, छोटे छोटे पोर्स होने चाहिए, है ना, और छोटे छोटे पोर्स होने के बाद आप क्या करते हो, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका पानी आपको निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, स्क्वीज़ कर देते हो जिससे वो निकल जाता है। यानी वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके द्वारा पानी जाता भी है और पानी निकलता भी है, और पानी ही एक चीज़ है जो अंदर जा सकती है, इसके अलावा कोई सॉलिड मटेरियल नहीं जाता। यही पूरा कॉन्सेप्ट है स्पॉन्जेस का। देखिए, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, पहला पॉइंट, ठीक है, पोरीफेरा आर कॉल्ड स्पॉन्जेस, तो ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पे गोला बना लेना है आपने, ठीक है, ठीक है। दे आर जर्नली मराइन, कहाँ पर रहते हैं बेटा, पानी में, समुद्र के नीचे रहना पसंद करते हैं, पानी के तट पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब क्योंकि एनिमल किंगडम है तो भैया देखो सेलुलर लेवल तो हो नहीं सकता, मल्टी सेलुलर होगा, तो मल्टी सेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर। जो जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ उन वर्ड्स को ध्यान से लिख लो, याद कर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कई बच्चे इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैम कोई चीज़ अगर मल्टी सेलुलर है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है, कौन कौन है ऐसा, रेज योर हैंड्स, बताओ ऐसा कौन है जिसको ये बात समझ नहीं आती कि मैम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है। ओके, मुस्कान इज हियर, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक कॉन्सेप्ट वाली चीज है, इसको समझना है आपको। और कौन है बेटा बताओ ओके चलिए इस चीज को समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर, है ना, तो मल्टी सेलुलर का मतलब है एक से ज़्यादा सेल, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एंड सो ऑन, भाई मल्टी सेलुलर है। अब कोई चीज़ अगर मल्टी सेलुलर है तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर, मतलब समझो बेटा जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गन के फंक्शनिंग की, बॉडी में कौन सी चीज़ फंक्शनल है या बॉडी में कौन सी चीज़ के द्वारा काम हो रहा है, सेल के द्वारा काम हो रहा है, टिश्यू के द्वारा काम हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, काम किसके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर काम यानी फंक्शनल वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर का मतलब है कि इसकी बॉडी, पोरीफेरा की बॉडी किस लेवल पे काम करती है, तो सेल के लेवल पे काम करती है। कैसे, यहाँ पर हमने 9 सेल्स बनाए, इसमें इस वाले सेल का कुछ और काम होगा, इस वाले सेल का कुछ और काम होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सब सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, हर एक सेल अपने आप में काम कर रहा है,
हर एक सेल एक दूसरे से कैसा डिस्टिंक्ट है, मतलब डिपेंड नहीं है किसी चीज़ के लिए। अगर खाना ये बनाएगा तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, सो ऑन। अगर पानी अंदर जाएगा तो सारे सेल्स में जाएगा, ऐसा नहीं कि एक सेल ने ले लिया दूसरा कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं तेरे से ले लूँगा, नहीं, सब अपने उस पर काम करेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं और ये बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल चुके हैं इसलिए मल्टी सेलुलर है। समझा आप मेरी बात? आपके बॉडी में काम कौन से लेवल पे हो रहा है? भाई सेलुलर लेवल पे हो रहा है, इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। इसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जगह लेवल ऑफ लेबर भी कहते हैं। लेबर का मतलब होता है काम करना, है ना? तो लेवल क्या है, लेबर वर्क क्या कर रहा है बेटा, फंक्शनल वैल्यू क्या है, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल जब इकट्ठा हो जाता है एक साथ बहुत सारे बन जाते हैं तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। बताइए समझ आया, समझ आया बेटा? क्लियर हुआ? तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, इसमें कभी आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बेटा फिर आप छोटे छोटे अगर चीज़ें गलत करोगे ना तो वहाँ पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को अगर ध्यान से समझोगे 99% पेपर वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन समझने वाली होती है एनसीईआरटी। तो क्या अंडरलाइन करना है आपको? मल्टी सेलुलर अंडरलाइन करना है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइन करना है। क्लियर? स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट, तो स्पंज क्या करती है, खाना तो खाएगी नहीं, पानी ले सकती है। सिंपल, पानी ले जाने का काम होता है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ पानी ले जाने की ही जगह होती है। पानी ले जाने के लिए उसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन पोर्स को हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑस्टिया। तो अगर हम देखें तो स्पॉन्जेस कैसे दिखेंगे, मान लीजिए ये एक स्पॉन्ज है, ये स्लाइड के ऊपर बेटा ले नहीं रहा है पेन को, है ना? आज ये पीपीटी में क्या हुआ, मैं लेट भी क्यों हो गई, क्योंकि पीपीटी में आज वो क्या होता है, एसेसिबिलिटी होती है ना, पीपीटी का एक फीचर होता है एसेसिबिलिटी, तो आज ये एसेसिबल नहीं हो रहा था तो इसलिए मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। और एंड टाइम पे होते हैं ये सारे एरर्स, क्योंकि खुद बनाने पड़ते हैं ना अब, तो सारे एरर्स एंड टाइम पे होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ये एक आपका स्पॉन्ज है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा, छोटे 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 इस तरीके से पोर्स होंगे। दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। सो दीज ऑस्टिया बेसिकली किस वजह से, किस लिए होते हैं बेटा? वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। पानी के अंदर है, पानी यहाँ से अंदर जाता है जिससे इनको मदद मिलती है खाना बनाने में, पकाने में। चलिए बेटा, ठीक है, आगे देखो। इतना क्लियर है आपको? अब देखो यहाँ पे आ जाओ बेटा। तो ऑस्टिया आपको क्लियर हो गया कि ऑस्टिया क्या होता है, यहाँ तक आपने ऑस्टिया याद रखना है। अब इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी। तो इस बात को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं मैम, क्या ऐसे होता है जैसा आपने दिखाया? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। इसको समझने के लिए, एक एक लाइन को समझने के लिए आप कैसे समझोगे, आप ऐसे समझोगे। देखो अगर मान लीजिए ये मैं एक पॉरीफेरा डिज़ाइन कर देती हूँ, एक मैं पॉरीफेरा टाइप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ मैंने पॉरीफेरा बना दिया। अब ये जो बेटा ब्लैक लाइन है, दिस ब्लैक लाइन इज कॉल्ड बॉडी सरफेस। क्योंकि ये हम 2D में पढ़ रहे हैं तो 2D में हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो वाइट फ्रंट में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो वाइट फ्रंट है ये लेयर है, एंटीरियर लेयर है ना, आगे की लेयर है, ये लेटरल साइड हो गया और ये हो गया उसका पीछे का पोर्शन, तो ये एंटीरियर है। अब मैं एंटीरियर को दिखाने के लिए यहाँ पर पोर्स बना रही हूँ, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे पोर्स बना रही हूँ कि इसके पूरे एंटीरियर सरफेस पे क्या है, छोटे छोटे ऑस्टिया प्रेजेंट है ऑन द बॉडी वॉल, बॉडी पे, ठीक है, बॉडी के सरफेस पे। अंदर क्या है, अंदर एक कैविटी है जो कि क्या है बेटा, वाटर जहाँ तक ले जाने का काम करना है। यानी पानी कहाँ है, ये पूरा पानी है। अब पानी आपको कैसे लेकर जाना है, यहाँ से पानी एंटर करेगा इन पोर्स की मदद से, ऐसे पोर्स आपको वॉल पे यहाँ पर भी मिलेंगे, इन पोर की मदद से पानी अंदर जाएगा जाएगा और फाइनली कहाँ जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। समझे? पानी कैसे जाएगा बेटा, यहाँ से एंट्री करेगा, पोर से गया इन वाले पोर से और ये यहाँ चला गया। तो ये आपको जहाँ हम पोर दिखाते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि पूरे बॉडी पे पोर है, नहीं, पूरे बॉडी पे नहीं है, सेंटर में एक आपको क्या दिखेगा, एक कैनाल दिखेगी, एक सिस्टम दिखेगा जहाँ तक पानी ले जाने का काम करना है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये लाइन है जो कि जनरली बच्चे गलत करते हैं, ये आपको याद रखनी है। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, वाटर एंटर, अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, वाटर एंटर थ्रू द माइनर पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी। समझ गए? सेंट्रल कैविटी है। नाउ
दिस सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियो सील फ्रॉम वेयर इट गोज टू कहां जा रहा है बेटा जी? ये आज पता नहीं इसको क्या ड्रामा कर रहा है ये, ठीक है? अब देखो ये यहां से कहां जाएगा बेटा, फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू दी, कहां पर जाएगा बेटा? पूरे बॉडी के सेंट्रल कैनाल। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो समझना है, दैट इज स्पॉन्जियो सील। ये वाला पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है, स्पॉन्जियो सील, ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो बॉडी में क्या हुआ, पूरी बॉडी पे पोर्स थे, पूरी बॉडी से पानी अंदर गया, पानी अंदर गया तो हमने क्या बोला, ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी देयर आर फ्यू पोर्स विच आर कॉल्ड ऑस्टिया थ्रू विच बॉडी एंड वाटर एंटर इन टू द बॉडी कैविटी। अब सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियो सील, अब यहाँ पे सील वर्ड यूज हुआ है ना, यानी ये कैविटी है, वही कैविटी जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी जो हमने यहाँ पर बनाई है। ये कैविटी क्या है, क्योंकि स्पॉन्जियो है और सील का मतलब कैविटी होता है, तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जियो सील, ठीक है? अब ये जो स्पॉन्जियो सील है ये देखो आपको कैसे दिखेगी, आज इसका मन नहीं है पढ़ने का ना, 3-4 दिन हो गए तो ये भी ड्रामे कर रहा है, कह रहा नहीं पढ़ूंगा। मैम क्लास कब होगा बेटा? मून, क्या नाम है तुम्हारा? मूना बाई, काहे परेशान करने आए हो भाई? एक ऐप लॉन्च कर लो उस पर पढ़ोगे? नहीं बेटा अभी ऐप का नहीं सोच रहे हैं, ऐप देखेंगे बाद में, अभी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, पहले थोड़ा सा यूट्यूब को ठीक से कर लें, अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब तो उस वजह से यूट्यूब में ज़्यादा फोकस हो नहीं पा रहा है। एक बार यूट्यूब अच्छा हो जाए फिर बेटा ऐप अब सब लॉन्च कर देंगे, टेंशन मत लो। तुमको भी लगता होगा ना कि ये मैम जो पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते थे हम, 10 घंटे अप्रॉक्स, 8 से 10 घंटे तो हम पढ़ते ही थे पूरा दिन ना, तुमको भी लगता होगा ना, वो मैम अब 1 ही घंटा पढ़ाती है, वो भी क्लासेस बीच में गायब हो जाती हैं, है ना? तो ये वक्त वक्त की बात है। देखो बेटा कहाँ, मैं तुम्हें छोड़ती नहीं थी, तुम अगर एक क्लास भी मिस हो आते थे तो तुम्हें तुरंत ही बोलती कहाँ हो तुम, कहाँ गायब हो, और देखो अब मैं तुम्हें एक क्लास भी नहीं ले पा रही हूं मैं तुम्हारी, ठीक है? तो यहां से इतना तो आपने ये बेटा, अरे नहीं भाई इधर आओ, ठीक है बेटा? तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है ऑस्टिया के थ्रू एंटरिंग होगी। आज कुछ यहां पे फ्लिकरिंग भी दिख रही है मुझे बोर्ड में, यहां पे कहीं तो है कुछ। चलो तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपको ऑस्टिया से बॉडी, ऑस्टिया जो है वो बॉडी के वॉल पे प्रेजेंट है, वहाँ से आप लेकर जाओगे पानी को कहाँ तक, सेंट्रल कैविटी तक। सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पॉन्जियो सील, स्पॉन्जियो सील से जो पानी है वो कहाँ जाएगा, ऑसिक्युलम के अंदर। अब ऑसिक्युलम क्या होता है, ऑसिक्युलम वो जगह है जहाँ से पानी निकलता है, कौन सी जगह बेटा, जहाँ से पानी वापस निकलेगा उसे हम कहते हैं ऑसिक्युलम। तो छोटे छोटे पोर हो गए ऑस्टिया, वहाँ से पानी क्या कर रहा है, जा रहा है अंदर, और निकलने के लिए क्या है, एक बड़ा पोर है जिसको हम क्या बोल देते हैं, आपका ऑसिक्युलम। ये दिख रहा है, ये स्पॉन्जेस हैं, ठीक है? अब देखिए छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं ये, लेकिन सरफेस पे थ्रू आउट द बॉडी नहीं है। अंदर क्या मिलेगा आपको, अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी एक स्पॉन्जियो सील इस तरीके से, ठीक है? ये स्पॉन्जियो सील के अपर सरफेस पे यहाँ पर एक बड़ा सा होल होगा, इस होल को हम कहते हैं ऑसिक्युलम। ऑसिक्युलम वो जगह है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, ठीक है बेटा जी? इतना क्लियर हो गया आपको, होप सो इतना समझ आया भी होगा आपको। ये इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है आज, चलिए ठीक है और आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनका जो खाना होता है, आप यहाँ पे देखिए, दिस पाथवे
ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प टू फूड गैदरिंग. अभी जो खाना, जो ये खाना खाएंगे, इनके बॉडी ऐसे नहीं है कि ये खाना डायरेक्टली ले सकें, तो सारा खाना इन्हें पानी की मदद से ही मिलता है. तो पानी से अंदर जाता है, जो भी फूड अंदर जाना है वो पानी में डिजोल्व होके ही जाएगा. तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप कह सकते हो ऑस्टिया, ऑसिकुलम और स्पॉन्जियस सील के द्वारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है, ये इनको खाने में मदद करता है. ठीक है, ये इनको बेटा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करता है. क्योंकि देखिए, कोई भी जो इस दुनिया में जिंदा है, ठीक है, वो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, इनको अपना रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करना पड़ता है. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ये गैसेस को लेंगे और बाहर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अगर गैसेस अंदर आई हैं तो उन्हें बाहर छोड़ना भी पड़ेगा, और जो गैसेस बाहर हैं उन्हें अंदर लेना भी पड़ेगा. तो इन्हें गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है. जो खाना खाया है, क्योंकि एनिमल है तो बाहर निकालेंगे भी, इसलिए रिमूवल ऑफ वेस्ट में इनको बहुत मदद करता है. ठीक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा हर बार आता भी है, इसलिए तुम्हें याद रखना है वो क्वेश्चन, वो है आपका कोनियोसाइट्स. ठीक है, कोनियोसाइट्स से क्वेश्चन हमेशा आता है. यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ कोनियोसाइट्स. ये कोनियोसाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कोनियोसाइट्स को ही हम कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो ये कॉलर सेल्स और कोनियोसाइट जो होते हैं, ये क्या करते हैं? स्पॉन्जियो सील को लाइन करते हैं. स्पॉन्जियो सील को लाइन करने का काम करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा इन पॉरीफेरा, आपसे पूछा जाएगा इन पॉरीफेरा विच लेयर सराउंड दी स्पॉन्जियो सील, और स्पॉन्जियो सील्स आर सराउंड बाय विच लेयर और विच सेल्स. तो आप क्या बोलोगे? कोनियोसाइट्स. तो कोनियोसाइट्स यहाँ पर सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वेल एज इनको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? स्पॉन्जियो सील को सराउंड करते हैं. डाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर? तो डाइजेशन होता है इंट्रा सेलुलर. इसको समझते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है. कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा. इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या फ़र्क है? हमें बेटा खाना मिला, हम किचन में गए, हमने खाना लिया, हमने खाना खाया, हमारे मुंह से क्या हुआ? मैस्टिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ, डाइजेशन का पहला स्टेप, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे ईसोफेगस से खाना हमारे स्टमक में गया. इट्स स्टे फॉर 2 to 3 hours. ठीक है, उसके बाद वो क्या करे? अच्छा फूड खाए तो इट्स स्टे फॉर 2 to 3 hours, अदरवाइज उससे ज़्यादा भी रह सकता है. उसके बाद इट विल पास टू द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है. तो यानी आपका प्रॉपर डाइजेशन जो है वो कहाँ हुआ? आपकी बॉडी के अंदर हुआ. तो इट मीन्स आपका डाइजेशन हुआ इंट्रा सेलुलर. कैसा हुआ? इंट्रा सेलुलर. आपके बॉडी में हर सेल ने डाइजेशन किया. ठीक है, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या अगर मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म्स की बात करूँ, लाइक बैक्टीरियाज है ना, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ये अपना डाइजेशन कैसे करते हैं? तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, इनकी बॉडी इतनी खुद में सक्षम नहीं होती कि अपने खाने को अपने पेट के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर पचा सकें. लेकिन दे हैव एंजाइम्स. तो ये क्या करते हैं? सपोज इनका फूड है, ये फूड यहाँ पर रखा हुआ है, ये अपने एंजाइम्स को अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे, उस फूड के ऊपर रखेंगे. उस फूड के ऊपर डालने से वो धीरे धीरे फूड जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बन जाएगा. जैसे वो कॉम्प्लेक्स सिंपल में बनेगा, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. इसका मतलब डाइजेशन कहां पर हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ. खाया उन्होंने, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी से बाहर किया उन्होंने. ठीक है, सो दीज आर दी टू टर्म्स जो आपको याद रखने, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर. सो स्पॉन्जेस में क्योंकि पानी जो है वो खाने में डिजोल्व होके आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं. बॉडीज इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेड अप ऑफ दी स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर. अभी देखिए बेटा, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉरीफेरा आर नोन एज स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस में जो उनके आउटर कवरिंग होती है वो भाई किसी ना, देखो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बाहर रहता है, ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम लोग हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है, और हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से हमारी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो हम वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हम रूल कर रहे हैं, राइट. तो हमें बहुत कम चांसेस हैं कि हमें किससे खतरा है. हम चाहें तो हमसे जितने भी छोटे एनिमल्स हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं किसी ना किस तरीके से. हमारे पास बहुत सारे वेपन्स भी हैं जिनसे हम उन्हें मार सकते हैं. लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको समुद्र में, पानी में, मिट्टी में, उन्हें अपने आप सर्वाइव करना होता है. वो बहुत छोटे हैं, उनके ऊपर सर्वाइव, उनको मारने वाले बहुत ज़्यादा हैं जो उनका शिकार कर सकते हैं. इसलिए उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटन बाहर की तरफ दिया होता है, ताकि हार्ड सा एक स्केलेटन उनकी बॉडी में बन जाए,
जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाए। तो ऐसा एक हार्ड स्केलेटल सिस्टम इनके बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, हम बोलते हैं कि स्पैक्यूल से बना हुआ है और कैसा है, स्पॉन्जिन फाइबर। इतना टफ नहीं होता बट हार्ड होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। ये उनको बचाता है, सर्वाइवल में मदद करता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो इस दुनिया के अंदर आया था पॉरीफेरा के नाम से, तो इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं थे। जो मेल, जिस एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्सुअल पार्ट भी था और फीमेल सेक्सुअल पार्ट भी था, यानी मेल और फीमेल सेक्सुअल दोनों ही पार्ट इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, हर्माफ्रोडाइट मीन्स एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल्स, सो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। कई बच्चे बोलते हैं मैम हम हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज़ करते हैं, हम कोई और वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, या फिर हम यूनिसेक्सुअल नहीं बोल सकते कि अच्छा ये यूनिसेक्सुअल है, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं। नहीं, हम हमेशा जब एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स के लिए हम वर्ड हर्माफ्रोडाइट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ होता है हर्माफ्रोडाइट। नाउ अभी देखिए, स्पॉन्जेस जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। क्योंकि ये छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और इनके पास सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, और अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए ऊपर वाले ने इनको दोनों तरीके का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दिया है, ए सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ए सेक्सुअल होगा तो ये अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो और जर्मिनेट इन टू अ न्यू इंडिविजुअल। वहीं पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हें करना होता है, तो क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट हैं, तो एक से स्पर्म निकलता है और दूसरे से एग निकलते हैं, और दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं और जो जायगोट होता है वो बन जाता है, यानी बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल का क्या मतलब है, और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, क्योंकि ये पहला फाइलम है इसलिए हम सारे वर्ड्स को क्लियरली समझ रहे हैं, जब आप एक दो बार वर्ड को समझ जाओगे फिर से वर्ड वर्ड है जो आगे आएंगे वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो बेटा क्या बोला इन्होंने, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। आप खुद सोचो, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे इसके पास मेल भी है और फीमेल भी है, यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं, ये स्पर्म जाते हैं एग के पास यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन बाहर थोड़ी ना होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट है जिसमें मेल फीमेल उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो यस ऑफकोर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, है ना। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ना। अब बात आती है डेवलपमेंट की, मैम डेवलपमेंट क्या चीज़ है। जब बच्चा बनता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कैसा बना है। बच्चा जब पैदा हुआ तो वो डायरेक्टली जिस इंडिविजुअल का है क्या वैसा दिखता है, या फिर वो पैदा होने से पहले अलग तरीके के दिखाते। सपोज मान लीजिए बच्चा पैदा हो रहा है किसी ह्यूमन का और वो दिख रहा है मछली की तरह, पैदा हुआ और मछली पैदा हुई, तो देखने में अजीब लगेगा ना, लेकिन छोटे ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन। लार्वल स्टेज का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होगा, जब तुरंत जब वो पैदा हुआ है तब वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी जगह पे पोर्ट होल्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे पानी हो जाता है बारिश में, जहाँ गंदगी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे छोटे 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 ऐसे लगते हैं जैसे मछलियाँ आ गई हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे टाइप के दिखते हैं, ऐसे छोटे 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 आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा एक ही जगह पे, और वो बहुत तेज तेज स्विम कर रहे होते हैं। किस किसने देखा है, रेज योर हैंड्स, किस किसने देखा है बेटा। वैशाली ने सब देखा है, वैशाली इज वेरी गुड, मुस्कान, शिवम, वेरी गुड। तो आप सबने देखा है, अब वो दिखने में कैसा लगता है, जैसे मछली होगी ना दिखने में, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे वो मछली है जो मछली वहाँ पर आ गई है, लेकिन वो मछली नहीं होती, वो क्या होता है बेटा, वो होता है फ्रॉग, है ना। वो क्या होते हैं, फ्रॉग के बच्चे होते हैं, यानी वो जो बच्चे थे वो इनिशियली तो आपको फ्रॉग जैसे नहीं दिख रहे थे, आपको कैसे दिख रहे थे, जैसे छोटे छोटे फिश होंगी, फिश के बच्चे होंगे, ऐसा दिख रहा था। तो ऐसी स्टेज जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो वो मोर्फोलॉजिकली, मतलब मोर्फोलॉजिकल का मतलब होता है दिखने में अपने पेरेंट्स से अलग होता है, तो ऐसे स्टेज को हम लार्वल स्टेज कहते हैं।
थोड़े टाइम के बाद वो धीरे 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 अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू कर देता है। यानी जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि डायरेक्ट बच्चा अपने माँ बाप जैसा नहीं दिख रहा था, पहले कुछ बीच में नई स्टेज बने, उसके बाद वो अपने माँ बाप के जैसा दिखना शुरू हो गया। समझ है आपको? सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसी होती है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है दिखने में अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से। इज दिस क्लियर बेटा? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आप याद रखोगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज वापस से ये रिपीट हो गई है, पॉरीफेरा के बारे में जो है वही चीज यहाँ पर रिपीट हो गई, ठीक है बेटा? और यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए अब हम अगर आगे बात करें पॉरीफेरा के बारे में, तो पॉरीफेरा कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको। यहाँ मैंने डायग्राम में उधर दिखाया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए अभी आप। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, एनिमल किंगडम में आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं, और जितना आप डे बाय डे लर्न करते रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए जब हम पढ़ते थे तो हमें हमारे कोचिंग से एक बहुत बड़ा चार्ट मिला था, उस चार्ट के अंदर हर फाइलम के स्ट्रक्चर्स होते थे, डायग्राम होते थे और उनके नाम लिखे होते थे, ठीक है? अभी आपके पास वो सुविधा अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये शुभ काम अपने हाथों से करिए, ठीक है? 8-10 आप A4 शीट लीजिए, A4 शीट पे आप टेप लगाइए, उसको काफ़ी बड़ा कर लीजिए, चार्ट जितना बड़ा कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली पतला सा चार्ट भी खरीद के ला सकते हो और उसमें फाइलम बनाओ, फाइलम लिखो और फाइलम के सारे डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स बना के नीचे उनके नाम लिखो। ऐसा क्यों करना है? खाली नाम भी तो लर्न हो सकते हैं। खाली नाम में कभी भी हमारे जो ब्रेन होता है वो जल्दी से कैच नहीं करेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, लर्न करने में दिक्कत आएगी, डायग्राम बहुत जल्दी स्टोर होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, अब क्योंकि पेपर ऐसा आता है जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर डायग्राम दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है या ये डायग्राम किस चीज का है। डायग्राम से उठा के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे लेकिन डायग्राम नहीं दिया होगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से एक एक डायग्राम लर्न होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, साइकन दिया हुआ है, ठीक है? साइकन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, कॉमन नेम भी इनका याद रखना है। स्पॉन्जिला दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है, यू स्पोरेंजिया दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है। उसके साथ साथ इनके कॉमन नेम दिए हुए हैं सबके, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसे कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करते करते मिलेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल हैं बट आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो लर्न देम, ठीक है? उन्हें याद कर लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके, ठीक है बेटा? तो आज आप इतना इस फाइलम को कंप्लीट कर लो। आज जितने मैंने वर्ड्स बताए हैं ध्यान से सुनिए, इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, डेवलपमेंट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एक्सटर्नल क्या होता है, और आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और फ्लूड को बाहर निकालना यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें लार्वल स्टेज की इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आज आप दिमाग के अंदर स्टोर कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे उसमें अब हम आपको ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट इंटरनल है तो इसका क्या मतलब है, या एक्सटर्नल है तो क्या मतलब है, लार्वल स्टेज का क्या मतलब होता है, या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें आगे डिस्कस नहीं की जाएंगी। आज का लेसन जो था वो एक ही फाइलम में लेंदी हमने इसीलिए किया ताकि आप बाकी सारे फाइलम्स को बहुत जल्दी कंप्लीट कर ले, ठीक है? सो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। और जी बेटा कल आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हम करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सलोनी, थैंक यू सो मच। देखिए आप लोग बहुत प्यार करते हैं अपने टीचर्स से, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चे करते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते होंगे। अब थोड़ा सा टीचर और स्टूडेंट की परिभाषाएं बदल गई हैं, पहले टीचर और स्टूडेंट की परिभाषाएं अलग होती थी, अब बदल गई हैं। चलिए जो भी है, टीचर के लिए एक बेस्ट गिफ्ट ये होता है कि आप अपनी पढ़ाई करें और एक अच्छे स्टूडेंट बन के रहें, ठीक है? तो हमेशा कोशिश ये करो कि जिस टाइम पे ना, मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, मैं बोलती ही शायद ये बात मैंने बहुत बार बोली है लेकिन मैं आज आपको उस चीज़ को बोलना चाहती हूँ, आज आप उस चीज़ को समझ लो। जैसे आपने YouTube खोला और आपको सपोज़ मेरी क्लास मिल गई, ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे क्लासेस होंगे जो लाइव मिलती होंगी जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, या लाइफ में कुछ ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको मिलती हैं जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता बट आपको मिलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ के लिए बहुत लक्की हैं। और जब भी कहीं से नॉलेज मिले ना, नॉलेज और वो भी फ्री में मिल रही हो, वैसे तो नॉलेज पैसे दे के लेनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो पैसे दे के चीज़ ली जाती है उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर नॉलेज फ्री में मिल रही हो तो हमेशा हाथ जोड़ के वहाँ बैठ जाओ
कि अच्छा यार मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखने की इच्छा जब तक मन में रहेगी तब तक आप एक ऐसे स्टूडेंट रहोगे जो हमेशा सक्सेसफुल होगा और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में, ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कि अच्छा मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है किसी भी रिस्पेक्ट में जो आपके काम का है, उस चीज़ को सीखो। टाइम मत देखो, अभी देखो सितंबर आ गया, सितंबर अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई में पेपर हो जाएगा। पहले सितंबर में हुआ था, इस बार जुलाई में हुआ, ठीक है। तो आप समझिए मई में इस बार पेपर हो जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल पेपर के लिए रेडी रहिए, आपके पास कुछ महीने हैं, पढ़ते रहिए। जितना हमसे कोशिश हो पड़ेगी उतना हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी बेटा आप लोग अपनी मेहनत है देखिए, है ना। मैम आप नेक्स्ट यूनिट बायोटेक स्टार्ट करवा देना एग्ज़ाम में आने वाले, ठीक है बेटा नेक्स्ट यूनिट बायोटेक करा देंगे। ये एनिमल किंगडम तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब तो सारे वर्ड्स आपने पढ़ लिए हैं, तो नेक्स्ट हम बायोटेक कर लेंगे बिकॉज बायोटेक इंपॉर्टेंट भी है और उसको जल्दी समझ लो। जेनेटिक्स बायोटेक ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको समझना ज़रूरी है एंड इट विल टेक टाइम, तो हम उनको पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दीदी आप आगरा आए थे क्या? हाँ जी शिवम, ओके। और बताओ क्या क्या किया आप लोगों ने? सब बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? मस्ती नहीं करते अब? यार एक तो सेशन को लाइक कर दिया करो और प्लीज़ 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 आपके भी तो दोस्त होंगे उनको बोल दिया करो यार ये, अगर तुम्हें लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ज़बरदस्ती बोलो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्चुअल में वीडियो से लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है इस चीज़ से, तो प्लीज़ दूसरों को भी बोल दो, वो भी कर लेंगे। मैं बेटा आज जूम लेने वाली थी, आज मेरा बिल्कुल प्लान था कि मैं जूम लूँगी, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा काम पड़ गया और फिर मैं बाहर रह गई, इस वजह से मैं नहीं ले पाई, बट कल ले लूँगी। कल भी नहीं ले पाऊँगी, कल भी बिजी रहूँगी, परसों ले लूँगी, ठीक है। चले अभी चले। अच्छा शिवम जी चलिए नेक्स्ट टाइम पक्का बेटा, पता ही नहीं था हमें, चलो ठीक है। ओके गुड नाइट एवरीवन, सी यू।